I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ये क्या कर रहे हो गुप्ता? दुकान का नाम बदल रहा है पंडित जी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे इस ग्लोबल गॉड फादर के सिर्फ फादर ही फादर है, कोई मदर भी है? खाली फादर है पंडित जी। किसी दूसरी दुनिया के हैं, अलग ग्रह के, जहाँ मदर नहीं होती सिर्फ फादर ही होते हैं। देखिए, आप बाबा जी की बेइज्जती कर रहे हैं पंडित जी। हम आपकी इज्जत करते हैं ना, इसलिए अब तक चुप हैं। कोई और होता तो दे देते सही से जवाब। काहे इज्जत कर रहे हो भाई, जब अपनी दुकान का नाम हनुमान जूस सेंटर से सरकारी जमीन के चोर के नाम रख दिए हो तो दे दो ना सही जवाब। कमाल का समाज है तुम लोगों का। कमलनाथ पंडित जी, ग्लोबल बाबा के बारे में एक शब्द ही उल्टा सीधा बोले तो। प्रदेश का सबसे शांतिप्रिय समझे जाने वाला जिला कबीरगंज का दंगों की चपेट में आना बहुत ही चौंकाने वाली घटना रही है। प्रदेश सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए कबीरगंज के डीएम के साथ साथ आधा दर्जन आला अधिकारियों का तबादला कर दिया है और दंगों की न्यायिक जांच करवाने की घोषणा की है। आज हमारे साथ कबीरगंज के नए पुलिस अधीक्षक पीसी जेकब मौजूद। भावना बैटरी गई यार, सॉरी सर, मैं लेके आता हूँ, बस दो मिनट। कैसे कार्टून अपॉइंट कर रहे हो यहाँ पर? सॉरी जेकब जी, बस दो मिनट। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही? दरअसल मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ये मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं घबरा रहा था कि मैं कैसे बोलूँगा। थैंक यू। इतना घबराएंगे जेकब जी तो यहाँ की सिचुएशन कैसे कंट्रोल करेंगे? सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल में है मैडम, जो आपको थोड़ी बहुत टेंशन दिखाई दे रही, कल होम मिनिस्टर की विजिट के बाद सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी बैटरी चार्ज रखिए, यहाँ की पुलिस फोर्स बहुत चार्ज्ड है। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ग्लोबल बाबा की कसम, नहीं हटेगा आश्रम। ग्लोबल बाबा की कसम, नहीं हटेगा आश्रम। हम आपसे माफी मांगते हैं, देखिए इस वक्त हम दंगा पीड़ितों से मिलने आए हैं। आप सबका कोई भी प्रश्न है मेरे निवास स्थान पर आइए, हम जवाब देंगे। कैसा आपका बेटा? आपको दिख नहीं रहा है, क्या हुआ है मेरा बेटा को? आप सब लोग मुझसे इतना गुस्सा क्यों हैं? मैं तो प्रदेश की शांति व्यवस्था और आप लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ। ऐसे सुरक्षा करेंगे आप? लूट गया पूरा कबीरगंज, दिन दहाड़े लूट लिया आपने। Yeah.
गया, सर भी कट जाता, पर आपका आश्रम बचना चाहिए बाबा, आपका आश्रम नहीं टूटना चाहिए बाबा। नहीं टूटेगा, आप सब है ना। पुलिस पूरी तरह बाबा जी, नमस्कार, पहचाना? अरे हम इलाहाबाद में मिले थे कुंभ के टाइम पे, मैंने आपके ऊपर सेगमेंट भी किया था। अरे हाँ, तैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी आवाज क्या? अब तो वो मौनी बाबा थे ना? हाँ मौनी बाबा थे, पल ग्लोबल बाबा थे, तिलपा से मिली बात थी तो नहीं, बहुत चमत्कार है औलत्या। अब चमत्कार किया तो आधा चमत्कार क्यों किया? आई मीन साफ आवाज भी तो दे सकते थे ना, तोतली आवाज क्यों दी? अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये मेला छली ले 35 इयर्स का, 35 इयर्स अमेली आवाज है ताल महीने पुलानी, तो तोतली ही ना हो दी। ए वातालियो दो नहीं बाबा, लेंस चेक कर रहा हूं। अरे सुनो, तभी फुर्सत से आओ, असल में बैठे बात कर लेंगे ना, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना है, तुम्हारी लाइफ भी चेत करा दूंगा। चलो बाय, तुलुलु। जोक्स असाइड पंडित जी, ये आदिवासियों के लैंड पर आश्रम का इशू को थोड़ा सेंसिटिव और ट्रिकी नहीं लगता? नहीं ट्रिकी तो है। तो फिर ऐसे इशू को इन जज्बाती लोगों पे छोड़ना क्या ठीक होगा? नहीं मतलब कहना क्या चाहती हूँ? मनी आई मीन ऐसे इशू पर तो कबीरगंज के सेंसिबल लोगों को साथ में आना चाहिए ना, अदरवाइज इट कैन ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। कबीरगंज के सेंसिबल लोग कौन? सेंसिबल लोग माने जैसे कि आप और आपकी आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले। कौन आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले? गद्दार दल्लू यादव? हां डायरेक्ट बोलो कि तुम उसकी पैरवी लेके आई हो, उसी के चैनल में काम करती हो, तो दल्लू यादव जिंदाबाद। ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं मानती हूँ कि दल्लू जी ने मुझे बात करने को कहा, पर मैं क्या क्या, क्या 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 बात करने को कहा? कहा होगा कि भावना जी जाइए, उनकी पैरवी कीजिए, उनको समझाइए कि मेरे साथ राजनीतिक मंच पे साथ साथ खड़े हो जाए और दल्लू यादव इसका फायदा उठाए और मेरे पीठ पर फिर से खंजर बोके। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम प्रणाम। पंडित जी मैं यहाँ का नया CDSP हूँ, माय नेम इज जैक। स्वागत है भाई, स्वागत है, बैठिए बैठिए। जो भावना शर्मा है, बच्ची है। हाँ आपसे मुलाकात हुई थी, आप जर्नलिस्ट हैं, बैटरी चार्ज है मैडम। कौन से बैटरी की बात चल रही है भाई? बैटरी तो आपकी चार्ज दिखाई दे रही है मुझे। जैकब साहब मेरा अरेस्ट वारंट लाए। आपका अरेस्ट वारंट क्यों पंडित जी? अरे भैया उस दंगे की मेन वजह हम ही थे, हम ही ने वहाँ DM साहब को मजबूर किया कि जाकर के वो आश्रम की दीवार तोड़ दे। Well then I must thank you पंडित जी। कबीरगंज नरक बन गया, आप थैंक यू बोल रहे हैं? अरे नहीं पंडित जी, दरअसल आपके कराए गए दंगे की वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है। नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से नहीं प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन हुआ है आपके नाम की वजह से जैकब। ये प्रमोशन समझ लीजिए जैकब साहब की जीसस क्राइस्ट का किया गया है, क्योंकि आदिवासी लोग उन्हीं को पूछते हैं ना, इनके महान गुरु दल्लू यादव इस बार चुनाव में आदिवासी कार्ड खेलने वाले हैं। अब देखिए आपको भी बुला लिया है, सुना है नया DM भी आदिवासी है। गेट नहीं खुलेगा। तू जानता नहीं है कौन है? कौन? प्रदेश के गृह मंत्री हैं। हाँ इनकी सिक्योरिटी को विदेशों में भी नहीं रोका जाता, तू इन्हें अपने ही प्रदेश में रोक रहा है। देख बाबू, देश प्रदेश विदेश हम कुछ नहीं जानते हैं, ये ग्लोबल बाबा का आश्रम है और यहाँ पर सिर्फ उनका ही कानून चलता है। अंदर आना है तो लाइन लगा के अंदर आओ, नहीं तो जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। सुन सुन मेरी बात सुन। मामा जी ये बेवकूफ भाई नहीं बोल रहा आने के लिए। आइए नेताजी, हमारे आगे आ जाइए। ठीक है। चलिए बोलते रहिए। चलो 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 बोलते लो अपन साथ तक जाओ उधर। चलिए चलिए, जो मांगना है मन में इच्छा धर लीजिए, प्रभु सब समझ जाएंगे, अंतर्यामी है। चलिए चलिए। ए बोल तो उधर बैठो। भीड़ के साथ बैठने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है हमारे क्षेत्र में हमसे बेहतर पकड़ आपकी हो गई है। अगर इस बात का एहसास बार बार करवाना है तो कोई बात नहीं, नहीं तो 2 मिनट अकेले में बात की जाए। कहिए मंत्री जी, क्या चाहिए इस फकीर से? हमने सुना है बिना बताए आप लोगों के दिल की बात जान लेते हैं।
अब बताइए हमारी समस्या और बताइए उपाय। ऐसा है यादव जी, 20% आदिवासी वोट तभी किसी काम आता है जब 80% बहुसंख्यक वोट यहाँ वहाँ बटा होता है, ना कि तब जब एक ही नाम और एक ही झंडे के नीचे एकजुट खड़ा होता है। मतलब? मतलब अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का खेल जो हो जाएगा इस बार फेल, क्योंकि बाबा ने करवा दिया है बहुसंख्यकों का मेल। आगे आप खुद समझ लीजिए कि आपको इस आश्रम की जमीन के कागजात भेजने हैं या बुलडोजर। चलिए पैर छुइए हमारे जी। आश्रम की परंपरा है बातचीत खत्म होने के पश्चात आगंतुक हमारे पैर छू कर जाता है। गोपाल बाबा की जय। 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 गोपाल बाबा जय। गोपाल बाबा की जय। अब हमारा भी एक निवेदन मान लीजिए, आश्रम की जमीन के सर्वे के लिए हमारी एक सरकारी टीम आएगी। अपने भक्तों से कह दीजिए उन्हें आने दें। आप तो जानते ही हैं, बिना आडंबर के कोई सुरक्षा कवच नहीं देता, न तो ग्लोबल गॉडफादर न गवर्नमेंट। प्रणाम। ग्लोबल बाबा की जय। ग्लोबल बाबा की जय। ग्लोबल बाबा की। बहुत अजीब लगता होगा ना जेकब जी, आप IAS IPS के इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स पास करके आते हैं, उसके बाद आपको इन जाहिल नेताओं से ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। आप हमारे डेमोक्रेसी को अंडरएस्टिमेट कर रही हैं मैडम। देखिए, जिस तरह हर कोई IAS IPS नहीं बन सकता, उसी तरह हर कोई नेता भी नहीं बन सकता। और आप जिन्हें जाहिल कह रही ना, वे तब आम आदमियों के लिए लड़ते थे जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते थे। इसीलिए जो जहाँ पर है वहाँ इसलिए है क्योंकि वो वहाँ होने के काबिल है। आप इतनी सीरियस क्यों? नहीं नहीं, सीरियस और मैं तो बस ये सोच रही थी कि इस ग्लोबल बाबा में कुछ तो बात है जो इतनी जल्दी इतने सारे फॉलोअर्स बना लिए। एक क्रिमिनल हुआ करता था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अगर वो जिंदा होता तो इस बाबा की तरह लगता। व्हाट? आप मुझे मिसकोट मत करिएगा। नो ब्रेकिंग न्यूज प्लीज। बहुत समय के बाद ये शहर शांत हुआ, इसे शांत रहने दीजिएगा प्लीज। चलिए ना जेकब जी, एक बार इस बाबा से मिलकर आते हैं। मैडम, हमारी ड्यूटी के कुछ उसूल हैं। मीडिया मालदारों से और बाबाओं से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। जी। नाइस मीटिंग यू अगेन। सेम हियर। बाय बाय। बाय। ग्लोबल बाबा की जय। ग्लोबल बाबा की जय। ग्लोबल बाबा की जय। ग्लोबल बाबा की जय। बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियर बनाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। बाबा जी, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गया। बाबा जी, वो मर जाएंगे। बाबा जी, चलिए चलिए, आधे आधे आधा आधा। बाबा जी, इसको सुनिए। बाबा, तंग आ गई हूं अपने जीने से। 7 साल हो गए शादी को और आज तक मेरे को सुनिए, ससुराल वाले मुझे 5 दिन की गालियां देते हैं। मनु, क्या ठीक तो है ना? बाकी का भाड़ा कब दोगी? आइए आइए, आगे जाइए। चलिए 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 चलिए। हाँ, आप बाबा, आज मुझसे किसी ने कहा, जो जहाँ है वो वहाँ इसीलिए है क्योंकि वो वही होने के काबिल है। ले जाइए। तब से सोच रही हूँ मैं कहाँ हूँ बाबा, मैं तो कहीं नहीं हूँ बाबा।
जहाँ होना चाहती थी वहां कभी पहुंच ही नहीं पाई। सिर्फ 17,500 में बाबा जी मैंने अपने सपनों का सौदा कर लिया। सिर्फ 17,500 घर का किराया, पापा की दवाइयों का खर्च। मैं आगे पढ़ना चाहती थी पर पढ़ नहीं पाई। क्या मेरी गलती है? अपनी किस्मत से लड़ना चाहती थी पर लड़ नहीं पाई। क्या मेरी गलती है? काश बाबा, काश मैं उन लोगों को दिखा पाती मैं किस लायक हूँ। काश उस्ताद ललकी जरूरतमंद है। जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट मीडिया वाली पत्रकार अपने काम के लायक है। ले लो भैया। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.